भाइयों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक ऐसी मूवी जो आपके तोते उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। आप लोगों ने कभी ना कभी बचपन में तो सोचा ही होगा, अगर नीले रंग का नाम पीला होता, पानी का नाम शहद होता, मीठा कड़वा होता और कड़वा मीठा, बिल्ली का नाम शेर होता, जिराफ का नाम हाथी और पालक को हम पनीर कहते, घिया को हम खीरा, तो क्या होता। इस मूवी में किसी भी करेक्टर को नाम नहीं दिया गया है। इस फैमिली में 5 मेंबर हैं, मॉम, डैड और उनके 3 बच्चे, जिनमें से 2 लड़कियां और 1 लड़का है। इनकी फैमिली आबादी वाले इलाके से बहुत दूर रहती है। माना जा सकता है कि ये लोग बिहड़वान में रहते हैं, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ कोई नहीं आता जाता, और इन्होंने अपने घर के चारों तरफ ऊंची ऊंची लकड़ी की फेंसिंग की हुई है ताकि ये लोग बाहर का नजारा ना देख सके। इस फैमिली के कुछ अंधे कानून है। हाँ, माना कि अंधा कानून सबके परिवार में होता है, लेकिन इनके परिवार में कुछ अलग ही तरह के कानून हैं, जैसे कि मोम डैड अपने बच्चों को घर के बाहर नहीं जाने देते, और तो और ये इंटेलिजेंट की दुकान खुद ही अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। इन्होंने अपने बच्चों को बता रखा है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर शेर है। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि मुझसे एडिटिंग में कोई गलती हुई है, मुझे यहाँ पर शेर की फोटो लगानी थी, न कि बिल्ली की। जैसा कि मैंने कहानी की शुरुआत में बताया, इन्होंने हर चीज का नाम उल्टा पुल्टा रखा हुआ है। तो ये लोग बिल्ली को शेर कहते हैं और शेर दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है। अब हम देखते हैं कि तीनों बच्चे एक रिकॉर्डिंग सुन रहे हैं जो कि इनकी मोम ने इनको टीच करने के लिए रिकॉर्ड की थी। इसके बाद बड़े बेटे को मोम पीने के लिए एप्पल जूस देती है, लेकिन आप तो कहेंगे कि ये तो साली फ्रूटी है, ये एप्पल जूस कैसे हो सकती है, लेकिन नहीं भाइयों, ये एप्पल जूस ही था इन सभी के लिए। दूसरी तरफ हम इन तीनों बच्चों के डैड को देखते हैं जो कि एक फैक्ट्री में काम करते हैं। अब वो अपनी ही फैक्ट्री की सिक्योरिटी गार्ड को अपनी कार में बिठा कर घर ले आते हैं। डैड ने सिक्योरिटी गार्ड की आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड बांधा हुआ है ताकि उसे ये ना मालूम पड़ जाए कि इनका घर कहाँ है। मैं जानता हूँ आप लोग सोच रहे होंगे कि डैड सिक्योरिटी गार्ड को अपने घर क्यों लेकर आए हैं, वो भी इसकी आंखों पर पट्टी बांधकर। तो चलो मैं इस बात का जवाब दे ही देता हूँ। इस परिवार में 5 सदस्य हैं, मॉम, डैड और उनके 3 बच्चे, जिनमें से 1 लड़का है और 2 लड़कियां। और आप सभी को तो पता ही है कि लड़के किस किस्म के होते हैं। जब वो 7वीं-8वीं क्लास में होते हैं तब से ही अपनी हाथ गाड़ी चलाने लगते हैं, और इनका बेटा तो फिर भी 24-25 साल का था। इसके पिता को पता था कि इसके गोटों में कई सालों से बहुत ज्यादा माल इकट्ठा हो रखा है, और अपने बेटे की इन्हीं शारीरिक जरूरतों को पूरा करने के लिए सिक्योरिटी गार्ड को अपने घर पर लेकर आया है ताकि उसका बेटा इसके साथ घचाघच करके रिलैक्स फील करे। अब घचाघच करवाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड बड़ी बहन के पास जाकर बैठ जाती है। बड़ी बहन सिक्योरिटी गार्ड की सर की तरफ देखती है और पूछती है, तुम्हारे हेयर बैंड में ये क्या लगा है? सिक्योरिटी गार्ड कहती है, चमकदार पत्थर। बड़ी बहन पूछती है, ये चमकदार क्या होता है? सिक्योरिटी गार्ड बताती है कि ये पत्थर अंधेरे में चमकते हैं, यानी कि इनसे थोड़ी थोड़ी रोशनी निकलती है। बड़ी बहन कहती है, क्या सच में बिना किसी ऊर्जा के? और कहती है कि मेरे पास भी एक हेयर बैंड था, लेकिन वो तुम्हारे हेयर बैंड की तरह चमकदार नहीं था। मैंने उस हेयर बैंड को छोटी बहन को सॉक्स के बदले दे दिया। इससे हमें पता चलता है कि ये लोग अभी भी पाषाण युग में जी रहे हैं, जिस युग में पैसे ना हुआ करते थे, बस चीजों की अदला बदली की जाया करती थी। अब डैड पूरी फैमिली को एक साथ इकट्ठा करके उनकी वीडियो बनाता है। छोटी बहन कहती है कि मैं भी सिक्योरिटी गार्ड के साथ बैठकर अपनी वीडियो बनवाऊंगी, और उसका पिता इन सब की वीडियो रिकॉर्ड करके अपने पास रख लेता है। डैड सिक्योरिटी गार्ड को उसके बेटे के साथ घचाघच करने के लिए पैसे भी देता है और उसकी आंखों पर ब्लाइंड फोल्ड लगाकर उसे वापस छोड़ आता है। अब रात हो गई थी तो सभी लोग डिनर के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आप लोगों की दिमाग की बत्ती फिर से जली होगी, तैयार डिनर के लिए? क्या तैयार होना, वो भी फैमिली डिनर के लिए? परंतु जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस घर में सरिया कानून चलता है, यानी कि अंधा कानून। तो लड़का अपने शूज को पॉलिश करके, फॉर्मल कपड़े पहन के, टाई वगैरह लगा के डिनर के लिए तैयार हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दोनों बहन स्कर्ट के ऊपर शर्ट पहन के बिल्कुल अच्छे से तैयार होकर डिनर के लिए पहुंचती है, और इस डिनर टेबल पर हमें पता चलता है कि पूरे दिन जिस भी बच्चे ने सबसे अच्छी प्रोग्रेस की है उसे इनाम दिया जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि ना जाने किस तरह का इनाम दिया जाएगा, तो बता दूं, इनाम के तौर पर इनको बच्चों वाले स्टिकर दिए जाते हैं, और जिस भी बच्चे के पास सबसे ज्यादा स्टिकर होंगे वो बच्चा सबसे ज्यादा होशियार और होनहार होगा, यानी कि गुणवान, बुद्धिमान, सर्वशक्तिमान, जिसका कोई मुकाबला नहीं। और तभी सबसे छोटी बहन अपनी मोम से फोन मांगती है। इसकी मोम उसे नमकदानी उठाकर दे देती है। तब हमें समझ में आता है कि ये नमक मांग रही थी। इसके बाद जिसके पास सबसे ज्यादा स्टिकर है, रात को
उसी की मर्जी चलती है और सबसे ज्यादा स्टिकर इस भाई के पास हैं। हम लोगों को लगता है कि ये फिर से घचाघच मचाने की डिमांड करेगा, लेकिन ना 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 ना, भाई कहता है हम टीवी देखेंगे और इस बात पे इसको 21 तोपों की सलामी। आप लोग सोच रहे होंगे कि टीवी पर कोई हॉलीवुड मूवी देखेंगे, लेकिन ना 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 ना, ये अपनी दिन में रिकॉर्ड की हुई वीडियो को रात में टीवी पर देखते हैं, क्योंकि इनके डिक्टेटर बाप ने इनको कुछ भी ऐसा नहीं बता रखा है कि इनके घर के बाहर भी कोई दुनिया है। अगले दिन हम देखते हैं कि लड़का अपने डैड की कार धो रहा है। कार धोने के बाद वो फैंस के पास जाकर पेड़ों से बातें करने लगता है और ना जाने इसके दिमाग में क्या चूल मचती है। वो पत्थर उठाकर फैंस के बाहर फेंकने लगता है और ऐसा करते हुए उसके मोम डैड उसको देख लेते हैं, जिसके बाद उसे एक चरचरी सी सजा दी जाती है। अब आप लोगों को लिसरीन के बारे में तो पता ही होगा, जो कि एक तरह का लिक्विड होता है मुंह साफ रखने के लिए, जैसे कि कोलगेट होती है। और आप अगर लिसरीन को ज्यादा समय तक मुंह में रखेंगे तो इससे आपके मुंह में गंदी वाली जलन होने लगती है। और इस लड़के को सजा देने के लिए इसके मोम डैड इसको लिसरीन पिलाते हैं, और जब इसके मुंह में बुरी तरह से जलन होने लगती है तो इसकी सजा पूर्ण हो जाती है। अब अगले दिन इनके घर के ऊपर से एक एरोप्लेन उड़कर जा रही है। अब एरोप्लेन ऊंचाई पर होने के कारण इन बच्चों को छोटी दिखती थी, तो इनको लगता था कि एरोप्लेन का साइज इतना ही होता है। तभी बड़ी वाली बहन कहती है, मैं चाहती हूँ कि ये नीचे गिर जाए और मुझको मिल जाए। तभी उसकी मोम उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा मारती है और कहती है, जब तुम इसके लायक हो जाओगी तुमको ये मिल जाएगी। यानी कि इसके पास अभी स्टिकर्स कम थे। और अब दिन भर टाइम पास करने के लिए ये लोग अजीब अजीब तरह के गेम खेलते हैं, जिन गेम्स को खेलने के बारे में अच्छे से अच्छे खिलाड़ी भी ना सोच सके। ये दोनों बहन अपने रुमाल पर क्लोरोफॉर्म छिड़क कर उसे सूंघ कर बेहोश हो जाती है। कहती है कि जो भी पहले होश में आएगा वो ये गेम जीत जाएगा। अब एक दिन हम देखते हैं कि मोम ने अपने रूम में टेलीफोन छुपा रखा है, जिससे वो अपने हस्बैंड से बात करती है और अपने घर के जरूरी हालात और जरूरी सामान के बारे में बताती है। बड़ी वाली बहन उसकी मोम की बातें सुन लेती है। उसको लगता है कि उसकी मोम घनचक्कर है और खुद से ही बातें करती हैं। अब हम देखते हैं कि इसका डैड जब घर पर आता है तो वो रास्ते में अपनी कार को रोककर जो भी खाने पीने का सामान होता है उन सब का लेबल उतार देता है, ताकि इन बच्चों को बाहर की दुनिया के बारे में कोई समझ ना हो। और तो और इन बच्चों के मोम डैड ने इन बच्चों को ये भी बता रखा है कि तुम तीनों का एक और भाई था और वो एक दिन इन फैंस के बाहर चला गया, यानी कि घर के बाहर चला गया, और अब वो बहुत मुसीबत में है। हम भी उसे अब नहीं बचा सकते। इन बच्चों को इनके मोम डैड हमेशा इसी तरह की झूठी बातें बताते हैं, ताकि ये बच्चे कभी भी इस घर के बाहर कदम ना रखें। ये बच्चे अपने मोम डैड की बात को हमेशा सच मानते हैं, इसीलिए वो घर के बाहर जाने से डरते हैं। अब अगले दिन डेली रूटीन की तरह इन बच्चों का डैड अपने ऑफिस के लिए निकलता है और घर वापस आते वक्त वो अपने डॉग को लेने के लिए जाता है, जो कि उसने ट्रेनिंग के लिए दे रखा था। डॉग का ट्रेनर डैड से कहता है, तुम्हारे डॉग की अभी सेकंड लेवल की ट्रेनिंग जारी है और इसी तरह के उसे ट्रेनिंग के 5 लेवल को पूरा करना है। अब डैड को अपना डॉग नहीं मिलता तो वो घर जाकर अपनी पूरी फैमिली को डॉग बनाकर उनसे भुकवाता है। भो 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 भाऊ भो 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 भाऊ। और ये सब देखकर हम समझ जाते हैं कि उसने अपने बच्चों की परवरिश डॉग की तरह की है। जैसे कि डॉग का मालिक डॉग से कुछ भी करने को कहे वो उसकी सारी बात मानता है, जैसे कि उठना बैठना चलना सोना पोटी करना इत्यादि। अगले दिन हम देखते हैं कि डैड सिक्योरिटी गार्ड को लेकर फिर से अपने घर पर आए हैं, वही अपने बेटे के साथ घचाघच मचवाने के लिए। और इस बार सिक्योरिटी गार्ड लड़के को अपना कीबोर्ड चाटने के लिए कहती है। आप लोग सोच रहे होंगे कि साला कीबोर्ड कहाँ है इसके पास, तो दोस्तों कीबोर्ड का मतलब है इसका प्राइवेट पार्ट, यानी कि इसकी योनी। लड़का इसका कीबोर्ड चाटने से मना कर देता है। अब घचाघच करवाने के बाद सिक्योरिटी गार्ड बड़ी बहन के पास जाती है और उससे कहती है, क्या तुम्हें ये हेयर बैंड चाहिए जिस पर चमकदार पत्थर लगे हुए हैं? वो कहती है, हाँ मुझे चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड कहती है, तो तुम्हें इसके बदले मेरा एक काम करना होगा। बड़ी बहन पूछती है, क्या काम करना होगा? सिक्योरिटी गार्ड कहती है, तुम्हें मेरा कीबोर्ड चाटना होगा, जिसके बदले मैं तुम्हें ये हेयर बैंड दूंगी जिस पर चमकदार पत्थर लगे हुए हैं। बस फिर क्या था, बड़ी बहन को चमकदार पत्थर चाहिए था, तो वो उसके काले कीबोर्ड को दबाकर चाटती है। सिक्योरिटी गार्ड का कीबोर्ड चाटने के बाद बड़ी बहन को लगता है कि सिक्योरिटी गार्ड को अपना कीबोर्ड चटवाने में बहुत मजा आया और अब वो भी अपना कीबोर्ड चटवाना चाहती है। बड़ी बहन छोटी बहन के पास पहुंचती है और उससे कहती है, तुम्हें ये हेयर बैंड चाहिए
जिसके ऊपर चमकदार पत्थर लगे हैं। छोटी बहन कहती है हाँ। बड़ी बहन कहती है तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। छोटी बहन पूछती है क्या काम। बड़ी बहन कहती है तुम्हें मेरा कीबोर्ड चाटना होगा। छोटी बहन पहले तो उसका कंधा चाटने लगती है क्योंकि बड़ी बहन को ये भी नहीं पता था कि कहाँ पर चटवाने से ज्यादा मजा आता है। अब एक दिन बड़ा भाई बाहर आंगन में एरोप्लेन के साथ खेल रहा था, तभी वहाँ पर बड़ी बहन आती है। वो कहती है ये एरोप्लेन मेरी है और मुझे दे दो। बड़ी बहन उससे एरोप्लेन लेकर घर के बाहर फेंक देती है। अब ये लोग घर के बाहर तो जा नहीं सकते थे, तो जब बच्चों का पिता आता है, बड़ा बेटा डैड से कहता है कि बाहर एरोप्लेन गिर गई है, क्या आप मुझे वो उठाकर दे सकते हैं। परंतु इन बच्चों का डैड डेढ़ शाना था। वो वापस से अपनी कार में बैठता है और बाहर जाकर दरवाजा खोल के बिना पैर नीचे रखे एरोप्लेन को उठाकर वापस आ जाता है। अब आप जानना चाहोगे कि डैड कार से ही बाहर क्यों गए, जबकि वो दरवाजा खोलकर भी तो पैदल बाहर जा सकते थे। लेकिन नहीं, डैड ने बच्चों को बता रखा था कि घर के बाहर पैर रखते ही बाहर जो भी बुरे लोग हैं, जो भी शैतान लोग हैं, वो तुमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए वो कार से ही अंदर बाहर जाता है। अब एक दिन हम देखते हैं कि इनके घर में शेर आ जाता है। आप सोच रहे होंगे कि ये तो बिल्ली है। दरअसल इन बच्चों के पिता ने बिल्ली को शेर बता रखा है और बता रखा है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर अगर कोई है तो वो सिर्फ यही है। अब लड़का अपने हाथ में बंदूक लिए उस शेर की तरफ बढ़ता है। हाँ हाँ, मैं भी यही सोच रहा था कि इसके पास तो झाड़ियां काटने वाली कैंची है। और अब लड़का इस बंदूक को उस शेर के पेट के आर पार कर देता है और ये खबर इन बच्चों की मॉम फोन करके उनके डैड को बता देती है। अब इनका डैड नौटंकीबाज तो था ही, तो वो घर वापस आते वक्त रास्ते में अपने कपड़े फाड़ लेता है और अपनी शर्ट पर सॉस वगैरह गिराकर घर पहुंचता है और बताता है कि उस खतरनाक शेर ने तुम्हारे लापता हुए भाई को मार डाला। अगले सीन में हमें पता चलता है कि इन बच्चों की मॉम फिर से प्रेग्नेंट है। डैड अपने बच्चों को बताता है कि तुम्हारी मॉम एक बच्चे और एक डॉग को जन्म देने वाली है। ये सुनकर सारे बच्चे तालियां बजाने लगते हैं। लेकिन ये सुनकर आपका दिमाग आपसे पूछेगा कि क्या ऐसा पॉसिबल है। मैं कहूंगा हाँ, इस मूवी के अनुसार, क्योंकि इन बच्चों की मोम एक बच्चे और एक डॉग को जन्म देने वाली है। अब अगले दिन इन बच्चों का डेढ़ शाना बाप पॉलीथीन में 3 फिश पकड़ कर लेकर आता है और उन्हें अपने समुद्र में डाल देता है। हाँ हाँ भाई, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो पूल है, लेकिन नहीं, ये समुद्र ही है। अब इन बच्चों का बाप इन्हें समुद्र में फिशिंग करना सिखाता है। अब कुछ दिन बाद सिक्योरिटी गार्ड फिर से इनके घर आती है और वो फिर से बड़े बेटे से अपना कीबोर्ड चाटने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। और घचाघच मचवाने के बाद वो बड़ी बेटी के पास जाती है और उससे अपना कीबोर्ड चाटने के लिए कहती है, लेकिन बड़ी बेटी मना कर देती है और पूछती है कि तुम मुझे इसके बदले क्या दोगी। वो कहती है मैं तुम्हारे लिए हेयर जेल लाई हूँ, जिससे तुम अपने बालों को कैसे भी सेट कर सकती हो। वो कहती है चल झूठी, इस तरह का कोई काला जादू नहीं होता। सिक्योरिटी गार्ड ढेर सारा जेल अपने बालों में लगा कर दिखाती है, लेकिन बड़ी बेटी को उसका जेल पसंद नहीं आता। वो कहती है अगर तुम तुम्हारे बैग में रखी हुई VCR टेप मुझे दे दोगी, तब मैं तुम्हारा कीबोर्ड चाटूंगी। सिक्योरिटी गार्ड के बैग में रखी हुई टेप्स हॉलीवुड मूवीज की टेप्स थी। और अब बड़ी बेटी जब घर के सभी लोग सो जाते हैं, तब वो उन VCR टेप्स को देखती है, यानी कि एक बार फिर से उसने सिक्योरिटी गार्ड का कीबोर्ड चाटा। बड़ी बेटी ने जो VCR पर रॉकी बालबोआ की मूवी देखी थी, जो कि बॉक्सिंग की मूवी थी, उसके डायलॉग को वो हूबहू कॉपी करके एक्टिंग करने की कोशिश करती है। इसने पहली बार अपने जीवन में अपने घर के बाहर की कोई दुनिया देखी थी और अब ना जाने इसके डेढ़ शाने डैड को कैसे पता चल जाता है कि इसको बाहर की दुनिया के बारे में कुछ कुछ जानकारी है। ये जानकर इसका डैड बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अब उन VCR टेप्स को अपने हाथ पर लपेट कर उसकी दबाकर पिटाई करता है। अब इसके बाद सिक्योरिटी गार्ड के घर जाकर उस बेचारी को बहुत बुरी तरह से मारता है। अब मोम और डैड के बीच में बात चल रही होती है, जो कि एक तनाव का माहौल है, क्योंकि इसका बेटा जवान था और उसको घचाघच मचाने के लिए कोई तो चाहिए ही थी, पर ये उस सिक्योरिटी गार्ड के अलावा किसी और पर विश्वास नहीं कर सकते थे। अब ना जाने इस खड़ूस बूढ़े के दिमाग में क्या चल रहा होता है। वो अपनी कुबुद्धि को यूज करता है और अपने बेटे की प्यास बुझाने के लिए अपनी दोनों बेटियों में से किसी एक को चूज करने की कोशिश करता है। लेकिन उन दोनों बहनों में से किसी एक को चुनने का निर्णय
वो अपने बेटे पर ही छोड़ देता है। हम देखते हैं कि बड़ा बेटा बाथरूम के टब में बिल्कुल नंगा अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ है। तभी इसकी दोनों बहनें बिल्कुल नंगी होकर यहाँ पर आती है और वो इन दोनों बहनों के माल को छूकर दबाकर महसूस करता है कि किसका माल ज़्यादा कड़क है, और उसे अपनी बड़ी बहन का माल ज़्यादा कड़क लगा तो वो उसे अपनी प्यास बुझाने के लिए चुन लेता है। हम देखते हैं कि मोम बड़ी बेटी को अपने बेटे से पिलवाने के लिए तैयार करती है। दरअसल इन बच्चों को रिश्तों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, इन्हें ये भी नहीं पता होता कि ये क्या करने जा रहे हैं, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे के साथ घचाघच मचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन इस पेलम्पेल में इन दोनों में से किसी को भी मजे नहीं आते। अब बड़ी बेटी शानी हो गई थी क्योंकि उसने हॉलीवुड की मूवी रॉकी बालबोवा जो देख ली थी, उसे पता था कि इसके घर की बड़ी बड़ी दीवारों के बाहर भी कोई दुनिया है। अब एक रात को एक्सरसाइज करने वाला डंबल लेकर वो बाथरूम में पहुंचती है। ये देखकर लगता है कि ये अभी छोटे से पिद्दू से डंबल से एक्सरसाइज करेगी, और देखते ही देखते वो इस डंबल को उठाकर अपने दांतों पर मारने लगती है। वो अपने आगे के नुकीले दांतों को तोड़ देती है, जिन्हें डॉग टूथ भी कहा जाता है। आपके मन में ये जानने की इच्छा हो रही होगी कि इसने अपने आगे के नुकीले दांत डॉग टूथ क्यों तोड़े, तो मैं आपको बता दूं कि इनके माँ बाप ने एक और झूठ फैला रखा है कि जब तक तुम्हारे डॉग टूथ ना टूट जाए तब तक तुम लोग इस घर के बाहर कदम नहीं रख सकते, और इंसानों के डॉग टूथ इतने ज्यादा मजबूत होते हैं कि वो सिर्फ बुढ़ापे में जाकर ही टूटते हैं। लेकिन बड़ी बेटी तब तक का इंतजार नहीं कर सकती थी। अब अपने डॉग टूथ तोड़ने के बाद वो जाकर अपने डैड की डिग्गी में छुप जाती है। अब आप लोग ये फिर से सोच रहे होंगे कि वो कार की डिग्गी में क्यों छुपी, वो यहाँ से भागकर भी तो जा सकती थी। लेकिन नहीं, उसके डैड ने ये भी तो मिथ फैला रखा था कि तुम लोग फेंस के बाहर कदम नहीं रख सकते, क्योंकि बाहर के लोग और जमीन बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसीलिए वो जाकर अपने डैड की कार की डिग्गी में छुपी। अब इन सभी को पता चल जाता है कि बड़ी बेटी घर से भाग गई है, तो सभी लोग उसको घर के बाहर जाकर ढूंढते हैं, लेकिन कोई भी उसका नाम नहीं जानता था क्योंकि इनके डैड ने अपने बच्चों का कभी नाम ही नहीं रखा था, और वो सभी उसे कुत्तों की तरह भौंक भौंक कर पुकारते हैं, भो 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 बऊ भो 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 बऊ। लेकिन इन्हें उसका किसी प्रकार का कोई सुराग नहीं मिलता, और कई घंटे इसी तरह कुत्तों की तरह भौंकने के बाद ये सभी अपने घर आ जाते हैं। अगले दिन डैड अपनी कार को लेकर अपने ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, जिस कार की डिग्गी में बड़ी बेटी छुपी हुई थी। इस मूवी का नाम था डॉग टूथ, जो कि 2009 में ग्रीक लैंग्वेज में रिलीज की गई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.3 out of 10, और इस फिल्म ने अपने पीछे अवार्ड्स का ताता लगा दिया था, यानी कि अवार्ड्स का ढू लगा दिया था। इस मूवी को ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया था। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।